बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इन्हीं से आप सब खैरियत से होंगे। अथवा आज की जो हमारी स्पेशल रेसिपी होने वाली है वो है शाही भिंडी। हमारी अब आप सोच रहे होंगे कि भिंडी भी कोई शाही होती है क्या? होती है, क्यों नहीं होती है। अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर कहलाएगी, क्योंकि इसमें जो मैंने इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं वो बहुत शानदार होने वाले हैं। और आप लोग तो वैसे ही जानते हैं कि मैं हेल्दी रेसिपीज लेकर के आती हूँ हमेशा, कि जो आप खाएं तो वो टेस्टी भी लगे आपको, प्लस हेल्दी हो और सेहत नुकसान ना करे। क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोज़ हैं कि चटपटा तो बता देते हैं लेकिन हेल्दी है कि नहीं ये तो बताते हैं। मैंने 1 किलो भिंडी ले ली है हमारी, और यहाँ पर मैंने भिंडी का मसाला तैयार करने के लिए 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च ली है, स्वाद अनुसार नमक लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला ले लिया है, 1 चम्मच पाउडर ले लिया है, और छोटी चम्मच हिंग ली है यहाँ पर। तो अब मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी और ये हमारे भिंडी का मसाला हो जाएगा। और बहुत से लोग होते हैं जो नींबू डाल कर के अपना है ना, मतलब मसाला गीला कर गीला क्या बनाते हैं, तो आप चाहे तो कर सकते हो। मैं यहाँ पर सूखे सूखे मसाले भरूँगी, क्योंकि सूखे सूखे मसाले ना आपके अच्छे से भर जाते हैं इसीलिए, और गीली गीली भिंडी ना तेरे बहुत अजीब सी बचपच्ची हो जाती है इसीलिए। तो मैंने यहाँ पर हमारी भिंडी के ऊपर का मुँह काट लिया है और नीचे का मुँह काट लिया है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने चीरा लगा लिया है। आपको यहाँ पर ऐसे ही ध्यान चीरा लगा लेना है, बिल्कुल दोनों भिंडी अलग ना हो जाए, चीरा संभल के लगाना है आपको। फिर इसके अंदर आपको मसाला भरना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर मसाला कितना अच्छे से भरा है भाई, भर भर भिंडी, तो मसाला भी आपको अच्छे से ही भरना है यहाँ पर। देखिए मैं अंदर तक अच्छे से मसाला भर दिया था हमारा, और फिर ऐसे ही करके मैंने यहाँ पर हमारी सारी भिंडियाँ भर ली थी। अब मैंने यहाँ पर भगोने में 2 चम्मच तेल गरम करने रखा है, और इसको फिर मैं भिंडी को इसमें ऐड कर दूँगी हमारे, और आपको भिंडी को फ्राई करना है। मैंने यहाँ पर हमारी ग्रीन चिली भी ऐड कर ली थी, और मैंने इसको लंबा लंबा ही काट के इसको मतलब मैं फ्राई कर लूँगी इसी में। और मैंने यहाँ पर हाफ लेमन ऐड कर लिया था, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारी भिंडी टूटेगी नहीं और हरी भी रहेगी और एकदम करारी रहेगी। बहुत से लोगों की भिंडी टूट जाती है, तो मैंने यहाँ पर 4 हमारे प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया था, और मैंने यहाँ पर 3 टमाटो लिए उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और ये जो हमारा भिंडी का मसाला बच गया था ना, ये वही मसाला है। बहुत से लोगों का मसाला अगर नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं, वो वही मसाला उसमें डाल देंगे। फिलहाल मेरा मसाला बच गया था तो मैं इसी को यहाँ पर डाल दूँगी। और मैंने यहाँ पर मलाई ली है। तो सोच रहे होंगे कि भिंडी में मलाई कब से डालने लगी भाई, यही तो मेन असल स्वाद है, तभी तो मैंने इसको शाही भिंडी का नाम दिया है, कि इसमें हमारी पूरी मलाई जाएगी, हाफ कटोरी पूरी देखी। और आपको मलाई को अच्छे से फेंट के एकदम क्रीम जैसा कर लेना है, क्योंकि मलाई मतलब ऐसी सख्त सब गुटले गुटले से ना रहे इसीलिए। अब मैंने यहाँ पर भगोने में हमारा ज़ीरा ऐड डाल दिया था, और हींग सौंफ और कसूरी मेथी डाल दी थी, ताकि इसकी खुशबू आती है कसूरी मेथी की बहुत अच्छी। और मैंने यहाँ पर हमारे अनियन ऐड कर दिए थे, और इसको भी मैं अच्छे से चला लूँगी। अनियन को ब्राउन नहीं करना है आपको, इतना मतलब नॉर्मल ना नरम नरम से प्याज आपको ऐसा करना है कि मतलब जो प्याज की एक आती है ना वो चीज़ चली जाए, उसकी प्याज की जो स्मेल होती है, बस आपको हल्का सा उसको मतलब वो करना है, भूनना है बस प्याज को। अब मैंने हमारा जो भिंडी का मसाला था वो ऐड कर दिया है, ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए, क्योंकि मसाला का कच्चापन नहीं आए। तो अब मैं उसको अच्छे से चला लूँगी हमारे भिंडी के मसाले को। अब गैस आपको धीरे कर देनी है इस टाइम पर, कि मसाला जले नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से चला लिया, मसाला नहीं जला मसाले की मतलब फिर चली चली आ जाएगी आपके पूरे भिंडी में। सबकी अपनी ट्रिक होती है भिंडी बनाने की, बहुत से बार आपने भरवा भिंडी बनाई होगी लेकिन एक बार इस तरीके से बनाई है, बाकी में बहुत से लोग मतलब जो 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी खा लेंगे, इतनी शानदार भिंडी बनेगी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और लाइक करें। तो अब चलिए देखिए अब हम हमारा इसमें ऐड कर देंगे, जब मसाला अच्छे से भुन गया तो टमाटर ऐड कर देंगे हम हमारा इसमें, और अच्छे से उसको भुना लेंगे। आपको इसमें नमक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो भिंडी का मसाला था उसमें ऑलरेडी नमक था ही, और आपको गैस को भी इस टाइम पे फ्लेम लो ही करनी है आपको, और आप उसको भी अच्छे से चला लेंगे। फिर मैं अभी यहाँ पर इसमें हमारा ढक्कन ढक दूँगी, क्योंकि हमें हमारे टमाटर भी गलाने हैं यहाँ पर। ये देखिए मैंने यहाँ पर गैस को लो फ्लेम में करके 2-3 आपको घुट पानी डाल करके और ढक्कन लगा देना है, ताकि वो जले नहीं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर कितना शानदार एकदम पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। आपको ऐसा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है कि सारे मसाले इसमें अच्छे से मतलब घुल जाए, कि इतना मुँह पर मतलब आए ना,
मतलब मोटे मोटे से टमाटर। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर हमारी मलाई ऐड कर दी है, और मलाई डालते वक्त आपको गैस फ्लेम लो ही रखनी है, आपको यहाँ पर हाई फ्लेम में नहीं, आपको लो ही फ्लेम रखनी है, और आपको लगातार यहाँ पर चलाते रहना है हाथ आपको 2-3 मिनट तक ही, लगातार एक ही डायरेक्शन में आपको हाथ चलाना है कि मलाई फटे नहीं। मलाई फट जाएगी तो आपको पूरा मसाला बर्बाद हो जाएगा। आपको लगातार देखिए मैं यहाँ पर कैसे चलाई जा रही हूँ हाथ हमारे, कि हमारी मलाई ना फटे, और गैस की फ्लेम आपको लो ही रखनी है। 2-3 मिनट आपको लगातार ऐसे चलाते रहना है, चलाते रहना है कि है ना मतलब हमारी मलाई ना फटे और बहुत अच्छा सा हमारा मसाला बनके रेडी हो जाए। आप लोग बोल रहे होंगे ये देखो लाल मसाले से अचानक से कैसा रंग का मसाला हो गया, लेकिन आप यकीन मानिए बाद में मसाले का कलर अपने आप बदल जाए। अभी मलाई डाला है तो गैस लग रहा है, लेकिन इसका यकीन मानिए शानदार बहुत टेस्टी मतलब बनेगी आपकी भिंडी। देखिए यहाँ पर लगातार हाथ चलाई जा रही हूँ। इंसान को हमेशा अपनी नई नई ट्रिक्स, अपनी नए नए मतलब मसाले ऐड करते रहने चाहिए, नई नई चीज़ें ऐड करते रहनी चाहिए। कोई एक ही तरह का खाना पकाना मतलब फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि हर बार इंसान सोचता है मुझे तो ये बनाना आता है, लेकिन वही चीज़ हमारे लिए बहुत बोर बन जाती है। हमेशा इंसान को अपने नए नए क्या है ना कुकिंग एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर मलाई मिला रही हूँ, लेकिन अब बहुत से लोग नहीं ऐड करते हैं, लेकिन इसके बाकी में देखिए बहुत शानदार टेस्ट आता है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर तो जब मैंने 3-4 मिनट अपने मसाले को अच्छे से चला लिया था, तो मैंने यहाँ पर मीडियम कर दी थी, थोड़ी सी हाई कर दी थी मतलब। तो अब देखिए मैंने मेरे यहाँ पर मसाला बॉयल हो रहा, मेरा मसाला फटा भी नहीं। आप ये देख लीजिए कि मेरा कितना शानदार ग्रेवी बन गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर हमारी भिंडी ऐड कर दूँगी। देखिए मैंने भिंडी को हमारे जो नींबू डालकर तला था, तो उसका रंग अभी भी कैसा एकदम डार्क ग्रीन कलर का है, और इसका रंग ऐसे ही रहेगा, अब बदलेगा नहीं। और आपको यहाँ पे भिंडी ध्यान से चलानी है। वैसे तो हमने नींबू ऐड कर दिया तो हमारी भिंडी टूटेगी नहीं, फिर भी आपको ध्यान से चलानी है कि अब कि टूटे ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको, कि अगर ऐसा नहीं कि बिन नींबू मिला दिया तो मतलब है ना अब जैसे भी आप चलाएंगे तो टूटेगी नहीं, ध्यान से फिर भी चलाना है। देखिए मैंने यहाँ पर हमारे मसाले से अच्छे से ढक दिया भिंडी को। अब मैं यहाँ पर हमारे ढक्कन ढक करके यहाँ 10 मिनट के लिए रख दूँगी, क्योंकि हम भिंडी तो एक भाप में ही पक जाती है। ये देखिए अब मेरे देखिए 10 मिनट बाद देखिए मैंने यहाँ पर ढक्कन खोला तो किस तरह से हमारा तेल ऊपर आ गया है, हमारी भिंडी बनके तैयार हो गई है। भिंडी का कलर भी नहीं चेंज हुआ है, आप देखिए कि बहुत से लोगों के कलर चेंज हो जाते हैं यहाँ पे भिंडी की, लेकिन देखिए मेरे कलर जो एज इट इज़ जो भिंडी का था वही भिंडी का कलर है, उससे भी बहुत शानदार रंग है आया है। देखिए कितनी खूबसूरत और कितना शानदार भिंडी बनी है, और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप अपने गेस्ट के सामने ये भिंडी बना के रखेंगे तो वाकई में सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और खाने की तारीफ तो आपकी होगी ही। तो ये देखिए यहाँ पर कितने खूबसूरत और शानदार भिंडी हमारी बनके तैयार है, हमारी शाही भिंडी। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और ऐसी ही नई नई वीडियोज़ और अमेजिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।